चूतिया हूँ मैं भी और इससे भारी चूतिया है मैं तो हमारे तो लग गए ना तो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। मैं जा रहा हूँ उदयपुर, लेकिन एक लोचा हो गया मेरे साथ। मेरी जो ट्रेन थी वो 10:40 की थी, लेकिन वो चूक गया मैं। और अभी इसके बाद जो ट्रेन है वो 11:35 पे है, लेकिन वो लोकल है। और मैं ऑडिशन देने के हिसाब से जा रहा हूँ, तो मुझे क्या वहाँ लगभग किसी भी हालत में 3 बजे तक पहुँचना है। अगर मैं 1-2 घंटा भी लेट हुआ तो कोई जाने का मतलब नहीं रहेगा, और वो ट्रेन जो है 5 बजे पहुँचाएगी। तो अब यहाँ से फाटक कूद के उधर पता करते हैं, मेरे हिसाब से बस हुई कोई लोकल ट्रेवल वगैरह तो उसमें चलेंगे। क्या नाम है तेरा? टीना। तो दोस्तों, ट्रेन जो है वो तो बहुत लेट पहुंचाएगी, और वो लोकल ट्रेन है, इसलिए हम यहाँ लैंडमार्क तक जा रहे हैं पैदल पैदल, ठीक है ना। यहाँ से अपने को बस मिल जाएगी, और बस कम से कम 2 घंटा कम लेगी टाइम उस लोकल ट्रेन से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रुकते हुए जाएगी। इसलिए चलो चलते हैं, बस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जाना तो है ही। वैसे ऑडिशन 8 बजे तक है, 3 बजे से स्टार्ट है, 8 बजे तक है, तो अपने को पहुँचना है किसी भी हालत में 5 बजे तक, किसी भी हालत में पहुँचना है। दोस्तों लकीली हमको बस मिल गई है, ये बस है उदयपुर जाएगी, ठीक है ना, और हमको टाइम से पहुंचा देगी। सबसे बड़ी बात ये है कि इस टाइम पे बस ट्रेवल्स जो है वो मिलती नहीं है, ये मेरे हिसाब से शायद आखिरी बस होगी उदयपुर के लिए। तो इसमें बैठ जाते हैं और चलते हैं। तो ये है हमारी सीट, तो नहीं है ये स्लीपर है, लेकिन मस्ती से जाएंगे, क्या दिक्कत है, मज़े से जाएंगे। ट्रेन में तो परेशान हो जाते हैं, हालांकि ट्रेन का सफ़र मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो लोकल ट्रेन थी यार, वो बहुत टाइम लगाती तो हमें लेट भी हो जाता, इसलिए हमने ये ले लिया। तो हमें हमारी सीट मिल चुकी है, और किस्मत की बात यह है कि बस अब रवाना होने वाली है। इस बस के अंदर कुछ सवारियाँ ऐसी चढ़ी है जो बोलो जुबा केसरी वाली है, जिन्होंने गुटखा खा रखा था, और जब यहाँ से निकली तो इतनी भयंकर बदबू आई कि मैंने ये जो खिड़की है इसको बंद कर दिया था, लेकिन अभी वापस ताज़ा हवा के लिए इसको खोल लिया है। तो यार मतलब ये जो लोग टेंशन खाते हैं, विमल खाते हैं, इनके मुंह से यार मतलब ये 5-10 फीट दूर से यार बदबू आने लग जाती है यार, जिसको ये खुशबू समझते हैं। हेलो सक्सेना जी, सक्सेना जी, वो तो यहाँ नहीं रहते। ताजी सांस हमेशा रखो पास, लेकिन होती है एक्चुअल में बदबू। बोलो जुबा केसरी। माँ कसम मुझे बहुत बुरी लगती है। A few moments later, मैं भी पान खाता हूँ, लेकिन बनारसी पान खाता हूँ, ऐसे गुटके नहीं खाता हूँ। यार मतलब वो यहाँ से निकले ना, खतरनाक बदबू है यार, मुझे घबरा गया मेरा। विमल, बोलो जुबान किस। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? तो दोस्तों हमारी बस चल पड़ी है, ठीक है ना, देखिए आप जल्दी पहुँच जाए तो अच्छा है। बस जिस बस में मैं बैठा हूँ उस बस के अंदर मेरे साथ भारी चूतियापा हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये नहीं पता है इन लोगों ने कि बस करेड़ा और आसिम इधर से होते हुए फिर उदयपुर जाएगी और शाम को 5 बजे पहुँचाएगी। Seriously, what the fuck are you doing? अपने ऑडिशन लास्ट 8 बजे तक है, मुझे नहीं लग रहा है ऑडिशन दे पाऊंगा। कड़ गया चूहिया। और गाड़ी क्या ये टायर अलग पंचर हो गया। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। चूतियापा हो गया, इसलिए कभी भी बस में बैठो तो साला सब पूछ लो इनसे। इन्होंने उदयपुर बोला, मैं बैठ गया बस में, मुझे पता ही नहीं साला, खिड़की खोल के देखा तो करेड़ा पहुंच गए। क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। करेड़ा पहुंच गए। क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। चूतिया हूँ मैं भी और इससे भारी चूतिया है लोग। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। आई एम सॉरी बाबू। तो दोस्तों मेरी एक सलाह है आपको, कभी भी आप बस में बैठे ना तो ये जरूर पूछ ले कि वो किधर से होके जाएगी। मैंने बस खाली इतना पूछा कि बस उदयपुर जाएगी, उसने बोला हाँ साहब उदयपुर जाएगी। हम बस में चढ़ लिए और ये बस जो है दोस्तों करेड़ा होके फिर उदयपुर जा रही है। तो अभी हम करेड़ा के अंदर हैं और यहाँ ये गाड़ी पंचर हो चुकी है, और ये बता रहा है कि
पहले तो मुझे उसने कहा कि 3 बजे तक उदयपुर पहुंचा देगी, लेकिन अब ये बोल रहा है कि उदयपुर पहुंचते पहुंचते 5 बजेगी। ऐसे कैसे? अरे चूता समझेगा तो हमारे तो लग गए ना। फ्रस्ट्रेशन में हर कोई बकता है, हमारे तो लग गए। चूतिया तो कटता है, हर किसी का कटता है। क्योंकि ऑडिशन जो है वो 8 बजे तक की है। भूख लग रही है, यहाँ भैया मैगी बनाते हैं। कितने की देते हो मैगी? मैगी 50 रुपये। 50 रुपये की? टेस्ट भी आना चाहिए वैसा? हाँ टेस्ट भी आएगा। पक्का? पक्का। कन भाई सकल देख, ब्लॉग कैमरा वैमरा देख, वहाँ रेट बढ़ा दिया है। चलो एक मैगी बनाओ अच्छी वाली। भजन मैं भी मारा घर घनी बढ़िया बनाऊँ, सब मारा हाथ की खावा, लेकिन आज भैया का हाथ की मैगी खाते हैं करड़ा में। और इधर हमारी मैगी जो है, मैं पत्ता गोभी डाल दी इन्होंने, शिमला मिर्च भी डाले, मिक्स वेज मैगी बन रही है। भूख लग रही है वैसे, मैं खा के आया हूँ कुछ, 2 पराठे खा के आया हूँ, लेकिन वो इतनी स्पीड में खा के आया हूँ कि पता ही नहीं चला, टाइम लगेगा। तब तक हम मैगी का आनंद लेंगे ना। और आज वैसे मेरे जाने का सीन इसलिए, एक शॉर्ट मूवी है, उसका ऑडिशन है, उस पर्पज़ से मैं जा रहा हूँ। अभी देखो ऑडिशन कैसा होता है मेरा, बस मैं टाइम पर पहुँच जाऊँ यहाँ। तो दोस्तों देखते हैं मैगी कैसी बनी है। हालांकि थोड़ी जल्दी में बनी है, लेकिन सीख गई अच्छी। अच्छी बनाई। दोस्तों अभी बज चुके हैं 3, ठीक है ना। मैं निकला था कितने बजे, 11 बजे करीब। 3 बज चुके हैं और ये बस का जो सफ़र है मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। कि उदयपुर के ज़्यादा से ज़्यादा जो लगते हैं वो 3 घंटे लग जाते हैं एक बस में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अभी 3 घंटे लग चुके हैं और हम पूरा घूम के करड़ा, रायपुर, बोराना, फिर गंगापुर होते हुए ये बस अब जाके ये राजसमंद तक पहुंची है। अभी मुझे लग रहा है उदयपुर पहुंचने में 4 या 5 बजेगी। अभी 2 घंटे हो रहे हैं। मैंने मैट्रिक्स भी देख ली, पूरी ख़त्म हो गई, और मैंने मैगी भी खा ली, लेकिन ये बस पता नहीं कैसे रेंग रही है, मेरा ऑडिशन ही चूक जाए यार। पहुँचना है मेरे को। चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हर चीज़ में अच्छा ढूंढने की कोशिश करूँ, मैं तो ये सोचता हूँ। राजसमंद तक आ चुके हैं। तो दोस्तों 4:30 बजे हम यहाँ उदयपुर उतरे हैं। अब फटाफट से वहाँ चलते हैं जहाँ अपना ऑडिशन है, वहाँ से ऑटो पकड़ते हैं। कमल कॉम्प्लेक्स वहाँ पहुँचना अपने को। वैसे अपने पास 8 बजे तक का टाइम है, लेकिन अभी 5 बज चुके हैं, 3 घंटे हैं, अपना ऑडिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नॉर्मल ऑटो वाले से पूछा तो 5 किलोमीटर का उसने 200 रुपये मांगे। कितने? 200 रुपये। बहुत ना इंसाफी है। केसरिया बालम आबोसा पधारो मार दे सरम बनी नी सा मगरे पापा मगरे गानी सा तो दोस्तों ये जो भाऊजी है टेम्पो चलाते हैं, ये 95 से टेम्पो चला रहे हैं। अब तक इन्होंने 3 टेम्पो चला के कबाड़ कर दिए, ये 3रा टेम्पो ये भी कबाड़ होने में आया है। अब ये 4था नया टेम्पो लेंगे, CNG वाला लेंगे, और इसमें धचके बड़े खतरनाक लगते हैं यार। तो गाइज हम 4th फ्लोर पे जा रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ हमारा ऑडिशन है। और ये कमल कॉम्प्लेक्स है गुलाब बाग रोड पे, जहाँ हमें आना था। उम्मीद है हम सही जगह आए, पता नहीं बाकी क्या हो।
तो गाइज हमारा जो खुद का ऑडिशन था वो तो ठीक रहा, लेकिन वो अच्छा लगने के बाद उन्होंने हमारे को स्क्रिप्ट पकड़ा दिए, ठीक है ना। तो अभी इसको तैयार कर रहे हैं, इसके बाद देंगे ऑडिशन और देखो कैसा होता। दुआ करो हो जाए मेरा कुछ हो जाए। ये भाई भाई मेरा ये बहुत ही अच्छा एक्टर है। हेलो, इसको आप कौन सी मूवी में देख सकते हैं, नाम बताओ एक आधी का। लाल कप्तान और उधमगढ़ जो अभी जनवरी में रिलीज हो रही है। उधमगढ़ में ये मेरे साथ में है, इसके पार्टनर को हमने मारा। मुझे भी तुमको भी नहीं मारता क्या? तुम लोग कैसे इनके लेकर? अरे और अरे और नहीं यार भूल गया मैं, इसका भी मर्डर नहीं किया था। तो दोस्तों मेरा ऑडिशन बहुत ही मस्त हुआ, ठीक है ना। पहले मैंने मेरा सेल्फ जो है वो जो जिसका मैं प्रिपरेशन कर रखा है वो किया, वो उनको अच्छा लगा, फिर उनके बाद उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट दी, स्क्रिप्ट वाला भी मस्त हुआ। ये व्लॉग आपको अब तक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि अगर आप प्यार नहीं दोगे तो हम व्लॉग कैसे बनाएंगे यार। इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी एडिटिंग में, पता है आपको शूट में मेहनत होती है, एडिटिंग में मेहनत होती है, हर चीज़ में मेहनत होती है यार। मेहनत को सपोर्ट करो यार मेरे भाइयों, ठीक है ना। ये ऑडिशन मस्त हुआ मेरा, तुम लोगों को दुआ करना कुछ बढ़िया और अच्छा काम करें, तुम लोगों की दुआएं से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं यहाँ से चलता हूँ, मेरे को जाना है लोक कला मंडल, वहाँ पर मेरा दोस्त जतिन मेरा वेट कर रहा है, वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ से स्कूटर टैक्सी की है रैपिडो के थ्रू, ठीक है ना, और मेरे को यहाँ से शास्त्री सर्कल के 16 रुपये देने हैं। कितने? 16। हमारे भिलवाड़ा में ये सर्विसेज अभी स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि इसके लिए हाई डेंसिटी वाली सिटी चाहिए। उदयपुर जो है भिलवाड़ा से काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे ये चल रहा है ओला उबर ये सब चल रहा है, तो यहाँ रैपिडो भी चल रहा है। तो मेरे दोस्त ने बताया था मेरे को रैपिडो कर लेना, तो मैंने रैपिडो किया, क्योंकि ऑटो में तो यार मेरे से 200 रुपये ले लिए यार 5 किलोमीटर के, यार मुझे लूट लिया गया पूरी तरह से। चकते फटे नपते गलियों, मार्केट कितना मस्त लग रहा है यार। ये रोड अच्छी है वैसे, सीमेंटेड है पूरी। और इतनी लाइट में मेरा गोप्रो भी थोड़ा ढंग से काम कर रहा है, बाकी अंधेरे में तो कोई मतलब ही नहीं है। सब चकाचौंध है, दिवाली हो रही है इधर। एम्बेसडर, एम्बेसडर दिख गई यार, एम्बेसडर दिखती नहीं आजकल। हाँ जतिन शास्त्री सर के लिए आ रहा हूँ। तो अभी 7:30 हो चुके हैं दोस्तों, जतिन यहीं पे आने वाला है। जतिन या कहाँ गया? काला कोट पहन का आएगा वकील साहब, वो वकील साहब दिख नहीं रहे मेरे को। ये देखो सामने आ गया। कैसा है मेरे भाई? तो दोस्तों ये जतिन, हमने साथ में उधमगढ़ में काम किया है और इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्टर भी डाली, देखा होगा आपने, फोटो वोटो डाल रखे हैं। भाई की शक्ल देख लो ध्यान से, अंधेरे में वैसे गोप्रो इतना अच्छा काम नहीं करता, लेकिन शक्ल दिख रही थी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो भाई तो उठाओ फिर इसको, उठाओ। तो तीन में अपना चलान नहीं कटेगा? तीन नहीं, अपन पाँच बैठेंगे। क्या अरे है आपके पास एक और गाड़ी है? सबकी शक्लें दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। इट्स दीपराज सिंह बाघेला, दीपक सिंह जी बाघेला, दीपराज बाघेला, ये भी क्षत्रिय हैं दोस्तों हमारी तरह। बिल्कुल भाई से मिल गया, अच्छा लगा। भाई ने हमारे को लिफ्ट दी क्योंकि वो उसका दोस्त है, तो हमारा भी दोस्त है। ठीक है मेरे भाई, ओके आराम से जाना ना सर्दी। तो अब दोस्तों ट्रिपलिंग हो रही, ट्रिपलिंग चालान कटने वाला सीन हो रहा है, कट मार के निकाल लेना पुलिस वाला खड़ा हो तो। तो दोस्तों हम यहाँ साईं बजरंग ढाबे पे आए, ठीक है ना। भाई ने बोला खाना एकदम घर जैसा मिलता है, तो यहाँ पेट पूजा कर लेते हैं, फिर इसके ठिकाने पे चलेंगे, वहीं गुदड़े ओढ़ के सो जाएंगे, ठंड बहुत है। ये व्लॉग अब तक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना, और घंटा जो है ना उसको जरूर दबाना सर। घंटा नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा, क्या मतलब बोल दे यार लोगों को, घंटा नहीं दबाते यार। बिल्कुल दबाओ यार, घंटा दबाओ तो घंटा। सादा खाना उच्च विचार, हमारी 60 रुपये वाली थाली मस्त आ गई है, इसमें दाल है ठीक है ना, और लालू की सब्जी है, और कड़ी है, चावल है, ये अपना कांदा है, एक नींबू की पाक है। भूख बहुत जोरदार लग रही है यार। कितना बाद मिल रहे हैं अपन? 7 महीने, 7-8 महीने बाद मिल रहे हैं दोस्तों। लास्ट टाइम अपन कहाँ मिले? मैं भूल गया इसलिए पूछ रहा हूँ। वहीं मिले थे लास्ट, उसके बाद अपन मिले ही नहीं। उधमगढ़ शूट पे साथ में थे दोस्तों, उसके बाद हम मिले ही नहीं। मैं बीच में उदयपुर भी आया था और इससे नहीं मिल पाया, इसने मेरे को ओड़बा भी दिया कि तू यहाँ आया, मेरे को बताया नहीं तूने, इसलिए मतलब इस बार गलती नहीं करूँगा, भाई को फ़ोन कर देते हैं, इसलिए आज इसके यहीं रुकेंगे, मस्ती करेंगे ठीक है ना, और फिर सुबह में निकल जाऊँगा। तो दोस्तों पेट पूजा हो गई है ठीक है ना, अब जतिन के ठिकाने पर चलते हैं। अब जतिन तू कहाँ रहता है? हॉस्टल। तो मैं भी स्टूडेंट बन गया आज दोस्तों, हॉस्टल में रहूँगा मैं। ऐसे मैंने MIT यूनिवर्सिटी में किया है, MIT यूनिवर्सिटी में 1 महीना निकला, कितना पूरा 1 महीना रहता था, लोग मुझे अजीब अजीब तरीके से देखते थे, यार ये कौन सा स्टूडेंट है यार, ये कब आया साला, इसने कब एडमिशन लिया, और ऐसे करके मैं खूब मस्ती की वहाँ 1 महीना रहा मैं।
हॉस्टल का मेरा ये अनुभव, बाकी मैं कभी ये सब पढ़ाई के तौर पर खुद हॉस्टल में नहीं रहा हूँ। ये मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है दोस्तों, प्रकाश द्वार फुल प्रकाश में हो रहा है, माँ सरस्वती की फोटो लगी हुई बीच में। वाह यार मस्त है मामला एकदम। मैं फर्स्ट टाइम आया यहाँ, इससे पहले कभी नहीं आया। बड़ी यूनिवर्सिटी है ना? हाँ, काफ़ी आगे तक जाना है। अच्छा हमको काफ़ी पैदल चलना है, हमारा खाना भी बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी दोस्तों मस्त बनाया है इसको, काफ़ी मेहनत हुई इसके पीछे, काफ़ी श्रम लगा है। ऊपर से देखेंगे, ऊपर से आता वहाँ से नहीं। तो काफ़ी अच्छा मामला जतिन, सही जगह लेके आया हमको, सही जगह रहता है। वैसे उदयपुर पूरा ही देखने लायक, हमारे भिलोड़ा में तो इतना कुछ है नहीं, लेकिन उदयपुर आप कहीं भी निकल जाओ, चार गली छोड़ के आप। एक हमारा लव गार्डन है, लव गार्डन है यानी एक मंगरी है, चामुंडा माता की, वटे जार परा जाओ बैठ जाओ, ठंडी ठंडी हवा का शाम का लोग वटे जार बैठे हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी नाम कर दिया तुमने, नेहरू पार्क नाम कर दिया, क्योंकि लव गार्डन में ज़्यादा तक फिर आजकल यही काम होता नहीं, पर नाम आज भी लव गार्डन ही है उसका, नेहरू जी के नाम पर, क्योंकि नेहरू जी खुद भी यार बहुत रंगीन मिजाज आदमी थे। तो अभी के लिए ओवर एंड आउट, बाय।